परिणाम तो सरकार टेस्ट कर रही है, टेस्ट कर कर करके बीच बीच में देखती है कि कितना दम है, दम भी देख लिया तो झुकना तो सरकार को पड़ेगा। धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और ये लोगों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आज किसान संसद बुलाई गई थी जिसमें कई पार्टी के और कई लोग मौजूद हैं, कई पूर्व नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ अशोक तंवर जी हैं, हम बातचीत करेंगे। अभी आप मंच से ये कह रहे थे कि विपक्ष कमजोर है, ये लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, तो आप ये मानते हैं कि इस देश में विपक्ष कमजोर हो गया है? कमजोर क्या, अब तो लग रहा है कि खत्म हो गया है। अगर ये कमजोर होता तो कहीं तो लड़ता दिखता। यहाँ किसान पिछले 59-60 दिन से बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था ये लड़ाई, तो जब वो संसद में और विधानसभाओं में भेज देते हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। किसान तो बीच बीच में समर्थन दे सकते हैं, अब उल्टा हो गया है। लड़ाई किसान गरीब मजदूर लड़ रहा है और वो चेहरा दिखाते हैं, तो ये चेहरा दिखाने की जो सोच है, प्रवृत्ति है फोटो की, ये बंद करनी पड़ेगी, तभी ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती है। किसान नेताओं ने ये मना कर रखा था कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, शायद इस कारण भी ये दूरी बना रहे हो? नहीं, राजनीतिक मंच तो नहीं था, ये तो बात ठीक है, लेकिन धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये जो बॉर्डर पे किसान आकर के बैठे, ये विपक्ष को किसने मना किया कि वो बॉर्डर बंद कर दे? गुड़गांव फरीदाबाद बॉर्डर तो अभी भी खाली है, फिर क्यों नहीं बंद कर रहे वो लोग? क्यों लोगों को पलवल और शाहजहांपुर में बंद लगाने पड़ रहे? हम तो सारा चीजें छोड़ करके बैठे, नहीं तो अशोक तंवर तो अभी तक कर देता बंद, और हमने बंद बहुत किए हैं। किसने रोका है? नहीं नहीं नहीं, अब हमारे तो, हमने तो छोड़ दी ना, हमने तो ये पार्टी पुर्टी सब पॉलिटिक्स छोड़ दी, हम तो देश के लिए, समाज के लिए, गरीब मजदूर किसान के लिए लगे हुए। आप पहले भी कांग्रेस में रहे, आप मुक्त हैं, किसी पार्टी से नहीं है, तो अब तो ज्यादा मजबूती से आपको लड़ना चाहिए था। तो लड़ ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो लोगों की जरूरत है, ये तो पार्टियों के पास शक्ति होती है ना। जिस दिन हम बना देंगे उसके बाद तो ये कर सरकार बिली नहीं लेके आएगी ऐसे। जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे उसके बाद तो ये बिली नहीं आएंगे, फिर हम दिखाएंगे कमाल। तो अब रास्ता क्या होगा? आप चूंकि बहुत नजदीक से देख रहे हैं शुरू से राजनीति, जब से ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ तब से आप खड़े हैं, परिणाम क्या हो रहा है? 60 दिन हो गए, सरकार ने कहा है कि अब बातचीत बंद होगी लगता है। नहीं, परिणाम तो सरकार टेस्ट कर रही है, टेस्ट कर कर करके बीच बीच में देखती है कि कितना दम है, दम भी देख लिया तो झुकना तो सरकार को पड़ेगा, और कोई सरकार के पास विपक्ष और कोई विकल्प है ही नहीं। तो सरकार तो कह रही है कि हम मांगे मान रहे हैं, किसान है कि अड़े हुए हैं, किसान है कि मानना नहीं चाहते? नहीं, किसान क्या, किसान तो अड़े रहेंगे। किसान कह रहे हैं तीनों कृषि काले कानून वापस लो, MSP उसका एक कानून लेकर के आओ, तो ये कर दे और फिर किसान तो अपने घर पे खुशी खुशी जाएंगे। किसान को मजा थोड़ा आ रहा है कि किसान को यहाँ आकर के बॉर्डर पिछले 60 दिन से घरों को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, ये तो मजबूरी में बैठे हैं, और जो मजबूरी में बैठा होता है वो आगे वाले को मजबूर कर देता है, तो सरकार मजबूर होगी झुकने के लिए। तो बिल वापसी पर तो पहले ही कह रखा है कृषि मंत्री ने कि बिल वापसी पर कोई बात नहीं होगी, तो इतनी बातें क्यों करी है? दिमाग खराब है क्या उसका, पागल है क्या, बताओ मुझे क्या पता, आप बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, जब वो कह रहे हैं कि बात नहीं होगी तो बार 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 बात करने के लिए क्यों बुलाते हैं फिर? पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब बिल वापसी पे कोई बात नहीं होगी। देखिए, बात तो जो है ना उनके बाप को भी करनी पड़ेगी। ज्यादा तीखा नहीं बोल रहा, INA घूम रही है। अरे कोई बात नहीं, INA, DNA, PNA, CNA जो घूमना घूमते रहे, हमारे तो हम तो कर ढूंढ रहे हैं उनको, मैं ढूंढ रहा हूँ जी। हाँ, क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं उनके संपत्ति की जांच की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, आपको इन संस्थाओं से डर नहीं लगता? देखिए, जिनको डर लगता है वो तो अपने घरों में बैठे हैं ना, और उन्हीं के घर में बैठने से ये लोग बाहर निकले किसान को मजबूरी में। अगर वो, मैंने तो खुद ही कहा, लोग जेलों में जाने के डर से आज वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो अपने घरों में बैठे हैं, घूम रहे हैं। किसी ने बोला अभी तक जिस तरीके से बोलना चाहिए, ये तो सबको पता है कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, कहीं आवाज आपने सुनी उस तरीके से, जिस तरीके की जो सच्चाई है, तो धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, और ये लोगों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, और जन आंदोलन के सामने मैं समझता हूँ कि सरकारें झुकी हैं और ये सरकार भी झुकेगी। आज जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, इस पर क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस
जी की आज 125वीं जन्म जयंती है और उन्होंने देश की आज़ादी में अपने तरीके से एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसान ये कह रहे हैं कि तुम हमारा साथ दो हम आत्मनिर्भर भारत भी देंगे, आपको अन्न पैदा करके भी देंगे और आने वाले समय में इस भारत को हम शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। तो वो साथ मांग रहे हैं और यही मैं समझता हूँ कि सबको साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक सवाल, आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, सबसे बड़े कोई अगर देश नेता रहा, कोई आज़ादी के लिए लड़ा, तो वो सुभाष चंद्र बोस थे और अभी एक अर्नब की चैट भी लीक हुई है, अवगत होंगे आप, उस पर क्या कहेंगे? देखिए चैट तो ये तो शंकाएं तो पहले भी बहुत तरह की थी, अब इस पर जल्दी से जल्दी अब तक अगर सरकार निष्पक्ष होती और सरकार के मन में खोट नहीं होता तो अभी तक तो कार्रवाई हो चुकी होती। तो चैट सारे लीक हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, कौन उसके दोषी हैं, किसने लीक किया है, ये तो सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा था? बिल्कुल बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये हमारे साथ अशोक तंवर थे जिन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि कृषि मंत्री ने क्यों ऐसा कहा है, इस पर जांच होनी चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। बिना लाग लपेट के इन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है, बल्कि खत्म हो गया है। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहे महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहे महाखबर के साथ। धन्यवाद।